याना सरकार। हांसी में सरपंचों ने ई टेंडरिंग के विरोध में बुधवार को बीडीपीओ कार्यालय में अधिकारियों के कमरों पर ताला लगाकर धरना दिया। ई टेंडरिंग के विरोध में सभी गांव के सरपंच धरने पर हैं। सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद सरपंचों ने बीडीपीओ ब्लॉक के मेन गेट पर ताला लगा दिया था। बुधवार की सुबह हांसी में सरपंचों ने अधिकारियों के कमरों पर ताला लगा दिया। इसके बाद बीडीपीओ ब्लॉक में ही सभी सरपंच धरने पर बैठ गए। सरपंचों का कहना है कि सरकार जब तक हम सरपंचों की मांगे नहीं मानती तब तक बीडीपीओ ब्लॉक में किसी भी अधिकारी को काम करने नहीं देंगे। कार्यालय पर ताला खुलवाने के लिए हांसी के एसडीएम जितेंद्र अहलावत पहुंचे, लेकिन सरपंचों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा जी, करीबन हमारा ये 15-16 दिन से प्रदर्शन चल रहा है और ई टेंडरिंग के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है, और जो हमने ब्लॉकों को लॉक करा ना तो इसी करके करा, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, ई टेंडरिंग को बंद नहीं करती, तो ये ऐसे ही लॉक हम हर दिन लगाते रहेंगे। अगर ये अधिकारी आके खोलते तो हम तुरंत लॉक लगा देंगे, हमने इनको बता दिया है। कितने दिन से सर आपका ये धरना है? ये करीबन 15 दिन से हमारा चल रहा है जी। आप कौन से गांव से सर? मैं गांव सैनीपुरा से सरपंच प्रतिनिधि हूँ जी। 20 दिन हो गए जी, और जब तक हमारी है ना मांगे पूरी नहीं होंगी सरकार के द्वारा, उससे पहले है ना ये धरना बंद नहीं होगा जी। आपकी मेन मांगे क्या थी? ये जो ई टेंडरिंग के खिलाफ है जी, ये मांगे हैं जी। डीएम साहब आए थे, उन्होंने क्या कुछ? उन्होंने यही रिक्वेस्ट करी अभी ब्लॉक को ताला ना लगाए, लेकिन हमारे कुछ सरपंच हम कहीं गए हुए हैं मीटिंग में, ताला नहीं खोलेंगे। ताला अभी तक नहीं खुलेगा जब तक हमारी है ना मांगे पूरी नहीं होंगी, या हमारे पूरे सरपंच होगी।